फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एकादशी है और जब भी एकादशी आती है तो हम श्रीमद् नारायण भगवान का पूजन करते हैं। नारायण यानी कहा गया है कि पुरुषों ने जल को नारा कहा है और भगवान का अयन निवास स्थल है जल, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। व्यापक रूप से भगवान विष्णु सर्वत्र विराजमान है। वे ही मेघ बनकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से ही प्रजा जीवन धारण करती है। जब भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में सो जाते हैं तो उसके बाद जब भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तो इस दिन वे अपना करवट बदलते हैं। इसलिए ही इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पद्म एकादशी, वामन एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत के विषय में युधिष्ठिर भगवान श्री हरि कृष्ण से एक बार पूछते हैं, हे भगवान, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि तथा इसके महात्म्य को कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोक पूज्य हो जाते हैं। इस दिन जो भी मनुष्य व्रत रखकर कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य ही भगवान के समीप हो जाते हैं। ऐसा समझो जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा जाता है और वामन रूप रखकर आपने क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य हुआ करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और विविध प्रकार के वेद सूत्रों से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ का आयोजन करता था, लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसे इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने वामन रूप धरकर पांचवा अवतार लिया और अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। ऐसी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर कहते हैं, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धरकर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैंने वामन रूप ब्रह्मचारी के रूप में बलि से तीन पग भूमि की याचना की। ये मुझको तीन लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी पड़ेगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर तीन पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने फिर अपने त्रिविक्रम रूप का विस्तार किया और पग को बढ़ा लिया और भूलोक में पद, भुवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जन लोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख और उसके ऊपर के लोक में मस्तक को स्थापित किया। तब सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से मेरी वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक में चला गया।
राजा बलि की दान वीरता को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल का स्वामी बनाते हुए वचन दिया कि 4 माह के लिए मैं स्वयं पाताल लोक में आकर निवास करूंगा। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि बलि, तू चिंता मत कर, मैं सदैव तेरे निकट ही रहूंगा। और विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए और तांबा, चांदी, चावल, दही आदि का दान करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। जो भी वैष्णव विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पापनाशक भक्त इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार परिवर्तनीय एकादशी के व्रत की कथा संपूर्ण होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस बार ये खास दोल एकादशी का व्रत 14 सितंबर के दिन रखा जा रहा है और 2 अत्यंत ही शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें आप जो भी करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे, तो ये साधकों को बहुत ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति कराएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर को रात को 10:40 पर हो रहा है। एकादशी तिथि पूर्ण होगी आपकी 14 सितंबर को रात को 8:41 पर। तो सभी लोग उदय तिथि का भान रखते हुए परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखेंगे। जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं तो श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 7:38 से लेकर 9:11 तक है और द्वादशी के दिन आपको व्रत का पारण करना है। पारण मुहूर्त 15 सितंबर को है सुबह 6:06 से लेकर सुबह 8:34 तक। तो क्या करना है एकादशी के दिन, पहले समझे जो लोग भी व्रत रखेंगे, इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी की तिथि से ही कुछ ज़रूरी नियमों का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, इन चीज़ों का सेवन रात्रि में नहीं करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा जाप करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको सोना चाहिए। एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करके हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण सजाएं, रंगोली लगाएं। इस दिन लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन, आम के जो भी पत्ते मिले उसको लेकर चबा लीजिए और उंगली से कंठ को साफ कर लीजिए। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित बताया गया है और यदि इस दिन ना मिले कोई पत्ता तो आप पानी से 12 बार कुल्ला कर लीजिए। इसके बाद स्नान करें। आज के दिन नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर स्नान कर सकते हैं या विशेष रूप से अगर आपके पास अत्र है, कोई भी एनर्जाइज या सिद्ध अत्र हो, तो 2 बूंद संपूर्ण स्नान कर लीजिए। इसके बाद 2 बूंद अत्र पानी में एक मग में मिला लीजिए और फिर उसको अपने सारे शरीर पर डाल लीजिए। मल मल कर उसको सूखने दीजिए। शरीर पर पोंछना नहीं है, शरीर को ध्यान रखिए। इसके बाद सुंदर हल्के लाल, पीले, नीले, हल्के नीले रंग के, गहरे नीले नहीं, हल्के नीले रंग के, गुलाबी रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। इस दिन काले और गहरे नीले, भूरे आदि रंग के वस्त्र धारण ना करें। फिर 1 लोटा जल सूरज भगवान को अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। उसी लोटे में जल ले लीजिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए, दक्षिणमुखी हो जाइए और अपने पितृ के निमित्त 1 लोटा जल अर्पित करना है। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या पितर पितरानी की जय। इसके बाद भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने या उनकी जो फोटो, तस्वीर आदि है उनके सामने आप बैठ जाइए। पूजा का स्थल साफ कर लीजिए। आप चाहे तो अलग से चौकी स्थापित कर सकते हैं या अपने पूजा रूम में ही पूजन कर सकते हैं। थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में या एक कॉइन लेकर के संकल्प करें कि आज मैं किसी भी चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करूंगा और राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा।
भगवान विष्णु का स्मरण करें, प्रार्थना करें, दोनों हाथ जोड़कर, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मैं श्री हरि की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से इस व्रत को धारण करता हूँ। मेरा यह व्रत अच्छे से पूर्ण हो, इसके लिए हे श्री हरि, आप मुझे कृपया अपनी शरण में लें। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद कॉइन या जल वहीं छोड़ दें और घर के ईशान कोण में पीले कपड़े पर पीतल के कलश में जल और पीपल के 11 पत्ते रख करके उस पर आप चाहें तो श्री राम जी, श्री हरि विष्णु भगवान का कोई चित्र हो, मूर्ति हो, लड्डू गोपाल हो, इनको आप स्थापित कर इनका विधिवत पूजन करें। सबसे पहले भगवान का अभिषेक किया जाता है। शुद्ध जल से आप अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख में आप जल भर के अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपके घर में पैसों की कमी चल रही है तो आपको लगता है कि पैसों से जुड़ी समस्या आए दिन आती ही रहती है, तो आपको इस दिन केसर वाले दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इससे कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। पीताम्बर धारी है प्रभु, उनको शुद्ध जल से फिर अभिषेक करने के बाद आपको उनको पोंछ लेना चाहिए और उसके बाद पीले वस्त्र धारण कराएं, जनेऊ धारण कराएं, केसर चंदन का तिलक करें। चंदन का ही इत्र चढ़ाया जाता है और भगवान को तिलक पर चावल नहीं चढ़ाए जाते, सफ़ेद तिल लगाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पीले ही पुष्पों से श्रृंगार कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए और जनेऊ जो आप चढ़ाएंगे उस पर चाहे तो आप केसर लगाकर भगवान पद्म को समर्पित कर सकते हैं और चंदन से धूप कीजिए। इसके बाद अब 11 बाती की एक बाती बना लीजिए रुई की और फिर गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीप जलाना चाहिए। केला, पपीता, ताल मखाना, साबुदाने की खीर आदि का भोग लगा सकते हैं। आप पूजा में ऋतु फल चढ़ा सकते हैं, तिल के आइटम्स चढ़ा सकते हैं और अगर आपके पास पीपल का पत्ता मिल जाता है तो आज के दिन जो भोग आप चढ़ाएंगे भगवान को वो पीपल के पत्ते पर रखकर चढ़ाना चाहिए। विशेष उपाय बताती हूँ। पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर दूध और केसर से बनी हुई कोई भी मिठाई रख लीजिए और 7 बार ओम नमः श्रीमद् वत्सलाय नमः, ओम नमः, ओम नमः श्रीमद् वत्सलाय नमः, ओम नमः श्रीमद् वत्सलाय नमः, इस प्रकार बोलते हुए आपको वो पत्ता सहित भगवान को अर्पित कर देना है और फिर वहीं बैठ करके आप चाहें तो एक माला का जाप कर लीजिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम नमः श्रीमद् वत्सलाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। और बाद में जो भोग रहेगा ये आपको पत्ते सहित गौ माता को खिला देना चाहिए या किसी को दान कर देना चाहिए। आप चाहें तो आज 11 पीपल के पत्ते लेकर प्रत्येक पत्ते पर श्रीम चंदन से लिख लीजिए, पत्ते पर श्रीम श्रीम ऐसे लिखना है और इसे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है तो आप माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान सहित पूजन करके ये पत्ते आप अर्पित कीजिए और इसके बाद इसकी तोरण बनाकर अपने घर या दुकान के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। दोस्तों कहते हैं कि इस प्रकार से आप अगर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। एक बात का और ध्यान रखिए, जो लोग भी तुलसी चढ़ाते हैं, कई लोग क्या करते हैं तुलसी को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, कभी भी तुलसी को भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करना चाहिए, हमेशा उनके मस्तक पर विराजमान करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः श्रीमद् वत्सलाय नमः, ओम श्रीमद् वत्सलाय नमः मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें और परिवर्तनी एकादशी के व्रत की कथा जो मैंने आप लोगों को पहले सुनाई है वो अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन शाम के समय एज यूजुअल तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जरूर जलाइए, तुलसी की परिक्रमा करिए, तुलसी माँ के अष्ट नामों का, तुलसी नामाष्टक का पाठ कीजिए और तुलसी की पूजा के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा अपने वैष्णव के घर बनी रहती है, कभी धन की कमी नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ज से परेशान हैं तो इस दिन सुबह सुबह नहा धोकर पीपल के पेड़ पर आपको जाना चाहिए और एक लोटा जल अपने साथ लेकर के जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः श्रीमद् वत्सलाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने अपने दोनों हाथों में लोटे को लेकर के जल को आपको पीपल पर अर्पित कर देना चाहिए।
और आप चाहें तो शाम के समय पीपल के वृक्ष पे जा करके, आपको जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ एक दीपक लेकर के जाइए सरसों के तेल का, उसमें लाल कलावे की बाती ले जाइए और पाप नाश की प्रार्थना करते हुए आपको पीपल के वृक्ष पर जला देना चाहिए। इससे आपको जल्दी ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है और जाने अनजाने आपने पाप कर्म किए जिसका भोग आप भुगत रहे हैं तो वो भी दूर होते हैं। दोस्तों एकादशी के दिन सुबह सुबह पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद आपको पहले लाल गाय अगर मिल जाए तो उसको चारा भी अवश्य खिलाना चाहिए, और इसके अतिरिक्त इस दिन तांबा, चावल, दही आदि का दान भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन गरीबों को अन्न दान करना पुण्य का काम माना जाता है। जो भी जरूरतमंद हैं उनको वस्त्र हो, छाता हो, दूध हो, फल हो, धन हो, आपको दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्रदान होता है और साथ ही साथ धार्मिक पुस्तकें हों तो उसका भी वितरण करना चाहिए, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। जो भी अनाथ हों, बीमार लोग हों, इनकी सेवा आपको ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन कुछ काम है जो आपको नहीं करना चाहिए। व्रत का दिन है तो आपको इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं वो भी इस दिन कम से कम सात्विक भोजन करें, इस बात का ध्यान रखें। शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। 7 तरह के अनाज, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ और चावल, मसूर आदि का सेवन ना करें, और इस दिन इन 7 प्रकार के अनाजों से परहेज करना चाहिए। इससे आपका वर्चस्व कायम होता है समाज में। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन तो नहीं करना है। किसी भी प्रकार का नशा, पान, पराग आदि भी आपको नहीं खाना है। शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, क्रोध नहीं करना है, बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, पति पत्नी एक दूसरे का अपमान न करें, बच्चों को मारे पीटे नहीं, दुष्ट लोगों से दूरी बना करके रखें, किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें, झूठ ना बोलें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी से झगड़ा ना करें। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य को करने से बचना चाहिए। इस दिन दाढ़ी हो, मूछ हो, बाल हो, नाखून ना काटें, हेयर वॉश ना करें स्त्रियाँ, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, पर स्त्री पर पुरुष की ओर आपको गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। भगवान विष्णु आज कहते हैं बदलेंगे करवट, डोल 11 कहते हैं इसको, और कहते हैं कि जब भगवान विष्णु करवट बदलते हैं तो आपका भाग्य भी बदल जाता है, आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है अगर इस दिन को आप पूरा यूज़ करें। और ख़ास रूप से मैंने पीपल के पौधे के पत्ते का उपाय बताया है, उस पर अगर हो सके तो आप भगवान विष्णु को उस पीपल के पत्ते पर भोग रख करके अवश्य अर्पित कीजिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। और अकेले नहीं सुनना है, कथा मैंने सुनाई है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम, भोलेनाथ की जय, करा शेरा वाली दबुल सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।